95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी भारत के लिए बेहद खुशी का मौका लेकर आई है। एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर के सॉन्ग नाटू नाटू ने और प्रोड्यूसर गुनीता मोंगा की डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट वर्शिप्स ने ऑस्कर 2023 में इतिहास रच दिया है और दो ऑस्कर अवार्ड अपने नाम कर लिए हैं। इसके साथ ही पूरा देश जश्न में डूब गया है। द एलिफेंट वर्शिप एक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री है। इसे कार्तिकी गोंजाल्विस ने निर्देशित और गुनीता मोंगा ने प्रोड्यूस किया है। इसकी कहानी अकेले छोड़ दिए गए हाथी और उसकी देखभाल करने वालों के बीच अटूट बंधन की बात करती है। इस शॉर्ट फिल्म की कहानी की बात करें तो यह साउथ के कपल बोमन और बेली और रघु नाम के बेबी एलिफेंट के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी में दिखाया गया है कि कैसे एक कपल एक अनाथ बेबी एलिफेंट की देखभाल करने के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, एक परिवार बनाते हैं। वहीं द एलिफेंट वर्शिप को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिलने पर प्रोड्यूसर गुनीता मोंगा ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमने अभी अभी किसी भी इंडियन प्रोडक्शन के लिए पहला ऑस्कर जीता है, दो महिलाओं ने यह कर दिखाया, मैं अभी तक कांप रही हूँ। वहीं डायरेक्टर कार्तिकी गोंजाल्विस ने लिखा, यह अवार्ड मेरी मातृभूमि भारत के लिए। वहीं बात करें आरआरआर के सॉन्ग की तो नाटू नाटू सॉन्ग एमएम किरावणी ने कंपोज किया है और चंद्र बोस ने इसे लिखा है और इस गाने को जूनियर एनटीआर और रामचरण पर फिल्माया गया है। यह गाना हिंदी में नाचो नाचो, तमिल में नट्टू कुट्टू और कन्नड़ में हल्ली नाटू के रूप में रिलीज किया गया था। इस गाने ने 80वें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में भी अवार्ड जीता था। इससे पहले नाटू नाटू ने बेस्ट सॉन्ग के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड भी जीता था। आज तक कितने इंडियंस ने जीता ऑस्कर? 1992 में फिल्म मेकर सत्यजीत रे को ऑनरेरी लाइफ टाइम अचीवमेंट का ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। एआर रहमान को साल 2008 में रिलीज हुई स्लमडॉग मिलियनेयर के म्यूजिक और सॉन्ग के लिए बेस्ट म्यूजिक कैटेगरी में ऑस्कर मिला था। गीतकार गुलजार को स्लमडॉग मिलियनेयर के जय हो गाने के लिए ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए रसूल पुक्कुट्टी को बेस्ट साउंड मिक्सिंग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। वहीं साल 1983 में रिलीज हुई फिल्म गांधी के लिए भानु अथैया को कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए गोल्डन ट्रॉफी से नवाजा गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।